हे फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो ये देखिए, हम लोग आ गए स्टेशन दिल्ली जाने के लिए। तो दिल्ली अपना घर जाने के लिए हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं। 7 बजे की ट्रेन थी, लेकिन हम लोग का 6:30 बजे हो गया था। और ये कुछ सामान था, क्योंकि सामान तो ऑलरेडी कल चला गया यहाँ पे, जो आप लोग को मैंने बताया था कि बेलपुर में मुझे पहुँचाना था, बट उसका इतना ज़्यादा बिजी मैं थी, इतना ज़्यादा कि बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा बिजी बता नहीं सकती हूँ। तो और यहाँ पे आ गई ट्रेन में बैठ के, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है गाइस की क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो अभी हम लोग आके ट्रेन में बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, और इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ कि ओ माय गॉड, सच में ट्रेन पे तो मतलब स्टेशन पे तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ बिल्कुल। मतलब अगर 1 मिनट के लिए अगर आगे पीछे हो जाए तो ढूंढने के लिए बंदों को 1 घंटा ज़रूर लग जाएगा, इतना ज़्यादा भीड़ की क्या बताओ, आप इसी से समझ सकते हो फ्रेंड। और ये मैं आ गई हूँ अब, थोड़ा सा ना थोड़ा खाना खाई हल्का, क्योंकि थोड़ा मार्केट भी जाना था। मार्केट गई, वहाँ से फटाफट आई, और फिर पति देव ने अपना बस बोले जल्दी जल्दी रास्ते के लिए खाना बना लो। तो जल्दी मैंने पराठा और सब्जी, हल्का सब्जी वैसे बनाया, और ऐसा लग रहा था कि खा लो। वैसे मैं रात में बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना प्रॉब्लम है तो इसके वजह से, बट आज मुझे ऐसा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैं इनको बोली फौजी साहब, मुझे भूख लग रही है, चलो मुझे खाना, मैं हम लोग खाना खा लेते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रखा है। इसके नीचे आने आने से पहले ना साफ सफाई बहुत कुछ होता है घर का, और मैं ना आईब्रो बनवाई हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए, मतलब सोची थी कि फेशियल करवाऊँ, बट इतना टाइम था नहीं, मैं पार्लर में गई वहाँ पे, तो मैं सोची कि फटाफट क्लीन अप हो जाए अच्छे से, या फिर फेशियल हो जाए कुछ भी, बट ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि 5:30 हो गया। तो फौजी साहब का कॉल आने लग गया, बोलने लगे कि वे राइट टाइम है, जल्दी आ जाओ करके। और ये देखिए, कुछ कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं बच्चे लोग, और फौजी साहब कमेंट कर रहे हैं कि भी फेशियल कराने गई थी, लेकिन बिना फेशियल की इतनी चमक रही है। ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या है ना कि इतना ज़्यादा थकावट हो रहा है कि अब बस हम लोग सोचे कि चलो भाई अपने अपने सीट पे। और फौजी साहब को मैंने बोले कि अभी आप भी जाओ अपने सीट पे, जाइए सो जाइए, क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा, एक तो वहाँ पे गए थे ना सच में, क्या सारदा माता के यहाँ जो मैहर गए थे ना, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा पैर में सूजन, और इतना ज़्यादा इसके चक्कर में ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, बिल्कुल नहीं चल पा रही हूँ। गर्म पानी से और नमक डाल के उसमें मैंने सिकाई की है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अभी ना मतलब प्रॉपर तरीके से सही नहीं हुआ है, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैंने 1,000 था सीढ़ी का स्टेप, और वो भी बहुत हाइट में था स्टेप ट्रेन, तो इसके वजह से ना बहुत ज़्यादा हो गया है। और फर्स्ट टाइम चली मैंने, तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बस सो जाओ एकदम पूरे दिन ना। सुबह में उठी, आज थोड़ा तो लेट हुई, कल तो बाप रे 6 बजे उठी, और 2:30 बजे तक कितना पैकिंग, फटाफट हम लोग ना बबल्स वगैरह लेके आए थे, उससे बस बेड बोर्ड पैक किए और सारा सामान भेज दिए थे। बस ये था कि खाना का और थोड़ा बहुत जो कपड़ा डेली यूज का हो जाता है वो थोड़ा बहुत, फिर भी आज ना करते करते 5 बैग हो ही गया है। तो वही है ना, जाते जाते तक हम लोग को कुछ ना कुछ लगता है कि ये भी रख लो, तो और ये छूट गया करके। और हम लोग हम तो एक महीना के छुट्टी में जा रहे हैं, फौजी साहब 2 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं, हम तो आ जाएंगे, बट वो आएंगे 1 महीना के बाद में, क्योंकि कुछ काम भी है, और मम्मी पापा भी वहाँ पे आ रही हैं, तो फिर उनके साथ में उन लोग का अपना टाइम एक्सप्लेन करेंगे। हम तो मजबूरी है हमारा आना, क्योंकि बच्चे का हो जाएगा स्कूल, मतलब खुल जाएगी इसके वजह से। और ये बातें कर रहे थे तो मैं सुन रही थी कि कुछ नहीं बोले थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उनके तरफ कैमरा करूँ, लेकिन वो चिल्लाने लगते हैं, तो इसकी वजह से उनके तरफ कैमरा नहीं करके मैं बातें सुन रही थी, और मैं वीडियो शूट करने लग गई थी कि चलो थोड़ा, क्योंकि क्या है ना कि मतलब अपने फ्रेंडों से बात करने भी, जब तक मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ, नहीं डालती ना, मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा है। तो एक ना मतलब एकदम फैमिली से हो गए हमारे, तो फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब।